विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिलाई महापौर नीरज पाल एवं एमआईसी सदस्यों द्वारा राधिका नगर के एसएलआरएम सेंटर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर सभी पौधारोपण करने वाले ने संयुक्त रूप से पौधों के पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के अनेक स्थानों में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों द्वारा पौधों का रोपण किया गया। इसी कड़ी में महापौर नीरज पाल एवं एमआईसी सदस्यों द्वारा राधिका नगर के एसएलआरएम सेंटर के परिसर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान नगर निगम भिलाई के प्रभारी आयुक्त लक्ष्मण तिवारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। निगम आयुक्त द्वारा भी परिसर में पौधे रोपे गए। परिसर में एमआईसी सदस्यों के नाम के पौधे रोपे गए। सभी ने पौधे लगाकर पौधों को पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया। परिसर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए हैं। महापौर नीरज पाल ने सभी पौधों में पानी डालकर पौधारोपण में विशेष रूप से सहयोग किया। पौधारोपण के पश्चात तो महापौर नीरज पाल ने कहा कि वर्तमान समय में पौधारोपण की महती आवश्यकता है, क्योंकि विगत वर्षों में कोरोना जैसी महामारी आने के बाद वृक्षों से मिलने वाली ऑक्सीजन के महत्व को बखूबी समझा गया है। इसलिए महापौर ने सभी से पौधे लगाने की अपील की। पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को घोषित पर्यावरण दिवस जो 5 जून का उसको हम लोगों के पूरे विश्व स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर, छत्तीसगढ़ के स्तर पर, विशेषकर जहां हमारी जिम्मेदारी है भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, हम लोग पर्यावरण दिवस को सभी जोनों में वृक्ष लगाकर आज हम लोगों ने इसका शुरुआत की और सभी जोनों में इसी तरीके से वृक्षारोपण होगा। वृक्ष सबसे पर्यावरण को सहेज कर रखने के लिए, संजो कर रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वृक्ष हैं। वृक्ष हम जितना बचा पाएंगे उतना आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ बना के जा पाएंगे, क्योंकि वृक्ष ऐसे हैं। इसकी उपयोगिता हमको पिछले दिनों दो साल कोविड पे रहे उसमें समझ में आया कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए कितने ज़रूरी है। इसको हर इंसान ने, दुनिया के हर इंसान ने महसूस किया है। और ये पेड़ जो हैं, ये पानी के अंदर, जो ज़मीन के अंदर जो जल है उसको संरक्षित करने के लिए भी पेड़ों का महत्व है। आज के दिन, पर्यावरण दिवस के दिन, सबसे ज़रूरी है वृक्ष लगाना। साथ ही साथ सफाई को लेकर भी हम आज काम कर रहे हैं, पानी को लेकर भी काम कर रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक सांकेतिक रूप से आज हम उसको मना रहे हैं, लेकिन ये हमारी साल भर की छुट्टी है। ऐसा जो आप बता रहे हैं भिलाई नगर निगम की बात नहीं है, ये दूसरी जगह की। भिलाई नगर निगम में जहाँ भी पूर्व में पौधे लगे वो आज भी आप देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वृक्ष लगे थे उनकी बराबर देख रेख हुई है, क्योंकि हम लोगों ने एक शुरू से एक वो रखा कि पेड़ कम से कम इस साइज़ के हों कि उनको हम लोग सहेजने में हमको सहूलियत हो, ऐसी कोशिश हमारी रही है। भले ही हम 100 पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाएं, लेकिन वो 10 पेड़ ऐसे हों जिसको हम सुरक्षित रख पाएं। तो साथ ही साथ इस अवसर पर भिलाई निगम के सभी जोन में स्थापित किए गए RRR सेंटर के कार्यों को देखते हुए जोन 1 के राधिका नगर में स्थित RRR सेंटर की कार्यशैली और उपलब्धियों को देखते हुए जोन 1 के आयुक्त को यहां प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जोन 1 में कार्यरत कर्मचारियों को भी इस कार्य में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसकी जानकारी MIC सदस्य नेहा साहू एवं जोन 1 के आयुक्त ने न्यूज टीम को दी है। नमस्कार। आज 5 जून पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज हमने यहाँ जोन 1 के राधिका नगर के SLR सेंटर में वृक्षारोपण करके इस सांकेतिक रूप में पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करते हुए आज वृक्षारोपण किया है, ताकि आने वाले समय में जो बारिश का टाइम आएगा उस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। और जैसा कि आप RRR सेंटर की बात कर रहे हैं, जो जोन 1 के अंतर्गत यहाँ राधिका नगर SLR सेंटर में निर्माण हुआ है, उसके तहत लोगों को मोटिवेशन करने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग अपने घर में पुराने जो उनके लिए यूज़लेस हैं उन सामानों को वो यहाँ आकर उनका योगदान करें, यहाँ आकर उनको डोनेट करें, ताकि हम उसको यूज़फुल बनाते हुए फिर से लोगों को उसको हम दे सकें, उनको उपयोग में दूसरे लोगों के लिए ला सकें। उस पर यहाँ के SLR सेंटर ने अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए उनको प्रशस्ति पत्र यहाँ के जोन आयुक्त को दिया गया है। हमारे जोन 1 में भी जैसे शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम RRR सेंटर के, मतलब है कि रिसाइकिल, रिड्यूस और
रीयूज पद्धति के आधार पर जो हमारे पुराने वेस्ट मटेरियल हैं उसको हम लोगों से लेते हैं और ज़रूरतमंदों को देते हैं। उसके तरह से हम एक माध्यम की एक भूमिका निभा रहे हैं और इसको हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं कि ज़रूरतमंदों को अधिक से अधिक इसमें सहयोग मिल सके, अधिक से अधिक इसमें लोग जुड़ें, इसमें हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। पौधारोपण के दौरान नगर निगम भिलाई के सभी MIC सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने पौधे को पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।